गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। होर सारे किदा चंगे? बारिश का मौसम हो रहा हल्का हल्का, यहाँ पर तो कभी हल्की सी बारिश है, कभी बादल है, और कभी बहुत धूप है, कभी बहुत गर्मी है। बेकार कभी मौसम हो जाता है, कभी बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। और बारिश के मौसम में तो पन्ने ही बनने हैं। ब्रेकफास्ट में आज बेसन के चीले बना लिए थे और अब मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर। और पनीर मैंने घर पर ही बना लिया है एक्स्ट्रा दूध लेकर। तो चलिए फिर लंच की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि मैं शाही पनीर कैसे बनाती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ किचन में। शाही स्पाइसी पनीर बनाने के लिए मैं लूँगी यहाँ लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लहसुन बस इसमें से मैं 3-4 कली लूँगी। और फिर मैं प्याज, लहसुन और हरी मिर्च की इकट्ठी पेस्ट बना लूँगी। अदरक मैंने नहीं लिया आज, क्योंकि अदरक थी नहीं, वरना वो भी मैं डाल लेती। और सब टमाटर को भी कट करके मैंने उसकी पेस्ट बना लेनी है। और उसके बाद मैंने 10 काजू उबाल कर गर्म पानी में रखे हुए थे, वो ठंडे हो गए हैं। और अब उन्हें पानी से निकाल कर थोड़ा सा ठंडा पानी निकाल लेकर और उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। इसके लिए मैंने अब लिया है पैन में तेल और उसमें डाली हैं 2-4 लौंग और 2-4 काली मिर्चें साबुत, और 2 सूखी हुई लाल मिर्च को तोड़ के मैंने उसमें चटकाया है, थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया उसको रब करके उसमें डाला है। और अब इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। और देखिए ये मेरी प्याज, लहसुन और मिर्च वाली पेस्ट ग्रीन हो गई है। और इसको मैं डाल के अब 2 मिनट के लिए पका लूँगी और उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी रब करके डाल दूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाती रहूँगी। और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के 1-2 मिनट और पका लूँगी। और फिर इसमें ऐड करूँगी टमाटर प्यूरी, इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और फिर हल्दी और देगी मिर्च और धनिया पाउडर, और फिर इसमें अपना मैं सीक्रेट मसाला डालूँगी। और मैं यहाँ बना रही हूँ शाही स्पाइसी पनीर, उसके लिए काफ़ी सारी मिर्चें मैंने डाली हैं। और ये बनाया है मैंने घर पर ही पनीर, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और इसको तो काटते समय भी डर सा लग रहा है, इतना स�सॉफ्ट बना है ये। यहाँ मैंने ली है 3 चम्मच घर की अपनी ताजी मलाई, उसको मैंने फेंट लिया है कुछ इस तरीके से। इधर मेरा मसाला भी भून के तैयार हो चुका है, उसका ऑयल सेपरेट होने लग गया है। और ये मेरे पास है मेरी काजू की पेस्ट, जिसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर लिया था, वो इसमें डाल दी है मैंने। और अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी फेंटी हुई अपनी मलाई भी। और अब इन्हें 1-2 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। और ये मेरी यहाँ ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी ग्रेवी कितनी थिक रखना चाहते हैं और कितनी रनी रखना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट जब हम सब्जी को रखते हैं रेस्ट करने के लिए तो ये काफ़ी थिक हो जाती है, इसलिए मुझे थोड़ी सी ग्रेवी रनी भी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लिया है और अब मैं इसको बॉईल होने के लिए रखूँगी। और जो भी पानी डालें, जो हमने काजू की पेस्ट बनाई है या मलाई वाली कटोरी है, उनमें हमेशा पानी डालकर ही इसमें डालें। और अब मेरे जो कटे हुए पनीर के टुकड़े हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और इन्हें मैं 1-2 मिनट के लिए पका कर फिर ढक कर रख दूँगी। और बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छी आपकी शाही स्पाइसी पनीर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए हमारा ये पनीर 10 मिनट बाद सर्व करने लायक हो गया है। जब कभी भी गेस्ट आए या बच्चे कहें तो ये आप बना के दीजिए। बाज़ार में 250-300 मिलने रुपए में मिलने वाला पनीर घर पर ही तैयार है 50 रुपए में। और अब इसमें आप 1 चम्मच फेंट कर मलाई से गार्निश कर लें और इसके ऊपर धनिया
पाउडर भी आप अगर थोड़ा सा गार्निश करना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं तो धनिया लीव से आप इसको गार्निश करें। मुझे याद है कुछ इस तरीके से जब मैंने ये बनाकर अपने किसी गेस्ट के आगे ये पनीर की सब्ज़ी रखी थी तो उन्होंने ये बोला था कि लठ गाड़ दिए इस सब्ज़ी को खाने के बाद। उनके ये विचार थे, इसका मतलब उन्हें बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी लगी। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए इस सब्ज़ी को। और देव का फ्रेंड आया हुआ है प्रभ, ये मेरी कड़ी देख के कहता है आंटी मुझे आपकी कड़ी बहुत टेस्टी लगी, मैंने कहा आ जाना खाने के लिए। देव यहाँ तैयार हो रहा है, जा रहा है कि आज इसके फ्रेंड का बर्थडे है और इसने मुझे पहले नहीं बताया, और अब तैयार होते समय बता रहा है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। हमारे दोनों हीरो जा रहे हैं, बड़े हैप्पी हैप्पी हैं। आज फिर बाहर का खाना खाएंगे, है ना? आज फास्ट फूड चलेगा। और बाहर का खा के देव का तो गला खराब हुआ पड़ा है इतना। अब हम वो लंच करने जाएंगे, फास्ट फूड लगाएंगे। उसके बाद भी रोज बाहर खाना, है ना? बाय बाय। इसमें देखो कितने सुंदर सुंदर फूल मेरे आगे इन प्लास्टिक के पॉट्स में, और ये मैंने रखे हुए हैं अपने विंडो के बाहर। बहुत ही सुंदर फूलों का कलर वगैरह आ गया है। अच्छा लगता है कि जब आपके इन छोटे छोटे प्लांट्स में इतने सुंदर फूल आ जाते हैं। देव तो चला गया अपने फ्रेंड के बर्थडे पे और मुझे पहले बताया भी नहीं, और ख़ासकर उसी को ही शाही पनीर बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत शौक से खाता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई चलो उसको पसंद है, उसकी पसंद की चीज़ उसको मिल जाए। और अब मेरा मूड हो रहा है ख़राब कि मैंने इतनी मेहनत भी करी, बनाया भी, जबकि और काफ़ी सारी सब्जियां रखी हुई हैं और मैंने उनको इस टाइम उससे लंच हो सकता था, पर मैंने कहा कि नहीं, बच्चों की पसंद होती है तो बना के देना चाहिए, तो मैंने इतने मन से बनाया। लेकिन अब वो चला गया है तो कोई बात नहीं, हम तीन लोग हैं फिर हम ही खा लेते हैं। इन बच्चों की तो आए दिन आजकल बहुत सारी पार्टियां हो रही हैं और मुझे भी लगता है कि इतना ये बाहर का फास्ट फूड वगैरह खाने लग गए हैं, ना खाया करें, लेकिन आपको पता ही है कि बच्चों को शौक़ भी होता है इस उम्र में, और फिर जब बर्थडे वगैरह होता है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। क्योंकि कोविड के चक्कर में पहले भी काफ़ी इन लोगों की चीज़ें रह गई हैं और आगे फिर अब थर्ड वेव आने वाली है, तो सबको डर रहता है कि जिसका भी बर्थडे इस वक्त आ रहा है उसको हम सेलिब्रेट करें। तो बच्चों की खुशी में ही हम भी खुश हैं, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आने वाले कभी भी। जैसे हम बड़े हो गए हैं, हमारी सोच बड़ी हो गई है, मैच्योरिटी आ गई है, वैसे ही मैं नहीं चाहती कि अभी जो बच्चों का बचपना है वो उसी में खुश रहें। और कल को सभी ने बड़े तो हो ही जाना है और वक्त के साथ साथ सभी कुछ अकल आ भी जाती है। अब चाहे बाहर का खाना खा के गला ख़राब हो रहा हो, तबीयत ख़राब होती है और देव को थोड़ा सा टॉन्सल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चक्कर में बाहर जाने से पहले अपना स्प्रे वगैरह जो होता है गले का टॉन्सल्स का वो लगा के जाता है। लेकिन बाहर पार्टीज़ नहीं छोड़ते बच्चे बिल्कुल भी। मैं भी इतनी स्टिक नहीं हूँ इस मामले में कि चलो बच्चों की खुशी है, बचपना दोबारा ये वक्त नहीं आएगा, ना जाने अब इनका 12th है, कुछ ही महीने रह गए हैं, फिर ना जाने कोई कहाँ होगा और वो वक्त पता नहीं फिर दोबारा इनको कब मिलेगा। बहुत तरस जाएंगे सारे जने और सिर्फ यादें रह जाएंगी, और जो भी हमारा पास्ट होता है वो हमेशा हमें प्रेजेंट में अच्छा ही लगता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों के साथ ये यादें जुड़ी रहें और वो खुश रहें, और माँ बाप तो यही चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है। तो बच्चों के दिन ये वापस नहीं आने वाले, इसीलिए मैं तो उन पर इतनी सख्ती बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि वक्त पता नहीं कैसे कैसे बदल जाना है और बच्चे फिर बाद में मतलब करते रहें कि आपने ऐसा नहीं करने दिया, वैसा नहीं करने दिया। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों के दिल में कोई भी बात आए। तो ठीक है, कोई नहीं, फिर हम खा लेते हैं मुस्कान में और इसके पापा ही, देव के बगैर ही। देव के बगैर हमें खाना अच्छा तो नहीं लगता, पर कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ा सा रख लूँगी, उसको रात को टेस्ट तो कराऊँगी ही।
मुझे देव से रिलेटेड आपको एक और बात बतानी है। काफ़ी टाइम से मैं इसके पापा से कह रही थी कि एक हमारा फैमिली फ़ोटो होना चाहिए, तो उनको इतना शौक नहीं है इन चीज़ों का, तो उन्होंने कभी मेरी बात पे गौर नहीं किया। और मुझे याद भी नहीं है कि देव ने ये बात मेरी कब सुन ली कि मैं उसके पापा से काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि हमारा एक फ़ोटो होना चाहिए, फैमिली फ़ोटो होना चाहिए, और उसके पापा नहीं बनवा लाए। तो उसने देखिए क्या किया, फिर देव ये फैमिली फ़ोटो बनवा के ले आया है। ये इसके पापा, ये इसकी सिस्टर मुस्कान, ये हूँ मैं डांस करते हुए। मेरा इसने बिल्कुल जो रैंडमली फ़ोटो आया है वो इसने लगवाया है, इसको बहुत पसंद आया। और ये वो खुद है, और इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरीके से फ़ोटो फ्रेम बनवा के लाया है। और जब इसने मुझे दिखाया, सरप्राइज़ दिया, मैं हैरान रह गई। बोला कि मम्मी बताओ मैं क्या लाया हूँ। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं हुआ कि ये क्या लाया है, लेकिन जब इसने ये फ़ोटो फ्रेम दिखाया तो मैं बहुत हैरान हो गई कि बच्चे को कितना मेरी बात का था कि हाँ मम्मी ने कहा है और पापा नहीं करवा रहे, तो वो देखिए अपनी पॉकेट मनी से ये बनवा के ले आया है। कमाल कर देते हैं कभी कभी छोटे से बच्चे, इतने बड़े हो जाते हैं और इतना हमें प्यार करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये हमारा फैमिली फ़ोटो इसने बनवा लिया है, हैरानी हो गई मुझे तो, सच्ची मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी इसका ये देख के सरप्राइज़ मुझे खुशी हुई है कि जो चीज़ मैं इनसे चाहती थी इन्होंने तो नहीं की और देव ने कंप्लीट कर दी। कमाल कर दिया। कभी कभी बच्चों के दिल पे कितनी क्या बात लग जाए ना, हम लोगों को नहीं पता चल सकता। मैंने इससे पूछा कि तूने ये मेरा फ़ोटो क्यों सेलेक्ट कराई, कह रहा है मम्मी आप डांस करते हुए इतना रैंडमली क्लिक हुआ था तो मुझे बहुत पसंद आ गया, इसीलिए मैंने ये वाला फ़ोटो आपका लगवा लिया है। और कमाल कर दिया देव ने तो, हद हो गई, बिल्कुल ही हद हो गई। मैं कल्पना ही नहीं कर पा रही थी कि देव कुछ ऐसा भी कर लेगा। तो चलो फिर, बच्चे तो चले गए हैं, वो अपना एंजॉय करें। और जो ये सरप्राइज़ दिया देव ने इतना बढ़िया मुझे, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, शेयर कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी बातें आपसे कहूँ तो इसलिए मैं कैमरा ऑन करके बैठ जाती हूँ आपसे बातें करने के लिए। तो वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, तब तक बने रहिए।